अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, स्टडी ऑफ मलेरिया। हम लोग बेसिकली सेकंड चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग किसी भी बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करके किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुँच जाते हैं। ठीक है जी, तो हम लोगों ने सारे स्टेप्स पढ़े थे जिसमें कि जिनसे गुजरने के बाद फाइनली एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो होता है वो हमारे पास निकल आता है। आज का जो हमारा टॉपिक, हम लोग क्यों हम लोगों ने बायोलॉजिकल स्टेप्स पढ़े थे, ताकि हम लोग आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं उसको कैसे उस डिज़ीज़ का क्योर किया गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ स्टडी ऑफ मलेरिया। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलेरिया जो है बेसिकली आजकल तो बहुत ही एक आम से बीमारी तसव्वुर की जाती है, मगर आज से तकरीबन 2000 साल पहले ये एक बहुत ज़्यादा मुहलिक और जानलेवा बीमारी थी। ठीक है जी, तकरीबन 2000 साल पहले। तो हमारे पास क्या था इसके बारे में, कैसे लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, कैसे पता चला? तो इससे पहले बच्चों को आपको पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजिकल मेथड है उसमें जो पहला स्टेप था, जिसमें ये होता है कि हम लोग पहचानते हैं कि आया ये प्रॉब्लम हमें आई है, या कोई और बंदा आपसे वो क्वेश्चन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो मलेरिया के टॉपिक में भी आप लोग इसी तरीके से उसको लेके चलोगे अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाता है। पेपर के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ये जो टॉपिक आता है बेसिकली आता है, तो जो फर्स्ट हेडिंग बनती है वो बनती है रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसके अंदर हम लोग सब हेडिंग्स एक दो बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या था, मैंने आपको बताया आज से तकरीबन 2000 साल पहले मलेरिया जो था वो डिस्कवर हुआ था। लोगों को क्या होता था कि फीवर होता था, तेज़ बुखार होता था, और फिर वो बुखार थोड़ी देर के बाद उतर जाता था। उतरने के बाद जो ही उसको स्वेटिंग या बहुत ज़्यादा पसीना आता था तो कपकपी लग जाती थी, जिसको कहते हैं शिवरिंग स्टार्ट हो जाती थी, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद लगता था जैसे बिल्कुल आराम आ गया। फिर उसके बाद घंटे या दो घंटे के बाद दोबारा अगेन ये अटैक होता था। तो इसमें हमारे पास कैसे पता चलता है मलेरिया में, सबसे पहले तो फीवर होता है, फीवर के साथ हमारे पास चिल स्टार्ट हो जाते हैं, कपकपी जिसको कहा जाता है, एंड रिकरिंग अटैक। रिकरिंग अटैक का मतलब होता है बार बार ये अटैक होता है, कि पहले आपको 103-104 बुखार हुआ, मतलब जो पेशेंट्स होते थे उनको 103-104 बुखार होता था, फिर उसके बाद वो उतरता था, उतरने के बाद उनको शरीर कपकपी तारी हो जाती थी, स्वेटिंग होती थी, पसीना आता था, और घंटे दो घंटे के बाद अगेन ये दोबारा से कैफियत हो जाती थी, और ये उनकी जान भी ले लेती थी। लोगों ने ये रिकॉग्नाइज किया उस वक्त के ज़माने के लोगों ने। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये भी ऑब्ज़र्व किया गया कि जो लोग मार्शी या दलदली इलाकों के करीब रहते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता था। मार्शी प्लेसेस का मतलब होता है ऐसे एरियाज़ जहाँ पे हर वक्त पानी जो होता है वो बदबूदार पानी जो होता है वो खड़ा रहता है, तो वहाँ उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी। तो लोगों ने शायद ये सोचा कि वो जो खड़ा पानी है उसमें से कोई बैड एयर या कोई ऐसी गंदी स्मेल आ रही है, जिसकी वजह से, जिस स्मेल को इनहेल करने की वजह से मलेरिया जो है वो डिज़ीज़ कॉज हो रही है, तभी से वहाँ से इस बीमारी का नाम बना, जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया जो है वो बेसिकली दो वर्ड से निकला है, माला एंड एरिया। माला का मतलब होता है बैड, एंड एरिया का मतलब होता है एयर, बैड एयर। सो मैं पहले ज़माने में ये समझा जाता था कि मलेरिया जो है वो बैड एयर या गंदी हवा की वजह से है, शायद वो जो स्टैगनेंट वाटर है या जो मार्शी एरियाज़ है वहाँ का गंदा पानी है, वहाँ से ऐसी बदबूदार एयर आ रही है जिसकी वजह से मलेरिया कॉज हो रहा है। तो उस ज़माने में क्योंकि मलेरिया बच्चों एक जानलेवा डिज़ीज़ थी, तो कुछ वॉलंटियर्स थे। वॉलंटियर्स वो होते हैं जो कि रजाकाराना तौर पे बग़ैर किसी रकम की, मतलब फजूली के, वो ख़ुद रजाकाराना तौर पे अपने आप को पेश करते हैं। हालांकि उस वक्त उनको पता था कि मलेरिया का इलाज नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी खिदमात पेश की, और उन्होंने वो जो स्टैगनेंट वाटर था, वो जो खड़ा पानी था, उसको पिया। ठीक है, क्योंकि ये प्रूव करना था ना कि शायद इस खड़े पानी से मलेरिया हो रहा है, तो जब उन्होंने पिया तो उनको मलेरिया नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने वॉलंटियर्स ने रजाकाराना तौर पर स्टैगनेंट वाटर पिया, कि शायद क्योंकि ये पानी से आसमेल से आ रही, तो शायद ये पानी पीने से हमें कोई बीमारी होगी, मगर जब उन्होंने उस वाटर को ड्रिंक किया तो उनको मलेरिया कॉज नहीं हुआ। ठीक है जी, ये तो हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें सब हेडिंग बनती है क्योर ऑफ मलेरिया, कि उस ज़माने में इसका क्या क्योर था। इसके अंदर सब हेडिंग आप लोगों ने एक ही हेडिंग दे के पॉइंट बनानी है, क्योर ऑफ मलेरिया। ये सिंपल आप क्योर भी लिख सकते हो। मलेरिया जो है इसका क्योर कैसे किया गया उस ज़माने में बच्चों, हमारे पास सबसे पहले एक प्लांट था जिसका नाम था क्विना क्विना। इस प्लांट की जो बार्क थी, जो छाल थी, वो बहुत अच्छी तसव्वुर की जाती थी मलेरिया के इलाज के लिए। वो चाहे उसको बॉयल करते थे या जिस तरीके से भी यूज़ करते थे, क्विना क्विना जो प्लांट था, ये प्लांट एक बहुत अच्छा क्योर समझा जाता था मलेरिया के इलाज के लिए आज से 2000 साल पहले।
फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि 17वीं सदी में जब अमेरिका जो था वो डिस्कवर हुआ, न्यू वर्ल्ड को कहा जाता था, वो डिस्कवर हुआ, तो बहुत सारे प्लांट जो थे वो अमेरिका से यूरोप भेजे गए, जिसमें क्विना क्विना भी शामिल था। तो वो जो ताजिर थे या जो मर्चेंट थे जो कि इनकी ट्रांसफ़र कर रहे थे या इनको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर ये क्विना क्विना इतना ज़्यादा उधर चला गया तो यहाँ पे किल्लत हो जाएगी और ये प्लांट जो है वो रेमेडी है मलेरिया का। तो उन्होंने डिसऑनेस्टी करना शुरू कर दी, मतलब कि बदयानती शुरू कर दी। उन्होंने सोचा कि इस क्विना क्विना से मिलता जुलता एक और पौधा है, क्यों ना हम उसकी तजारत जो है वो शुरू कर दें। मगर उनकी जो ये बदयानती थी वो इंसानियत के लिए एक बेहतरीन फलाह का उसने काम किया, क्योंकि उन्होंने जिस प्लांट की तजारत क्विना क्विना की बजाय शुरू की वो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन एक रेमेडी साबित हुआ या क्योर साबित हुआ मलेरिया का। ठीक है जी, तो हमारे पास फर्स्ट जो मलेरिया का क्योर था वो क्विना क्विना प्लांट था, मगर जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी ट्रेडिंग ख़त्म कर दी और उन्होंने एक और प्लांट जिसका नाम सिंकोना प्लांट है उसको जो है वो उसकी तजारत स्टार्ट कर दी, उसको ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया कहाँ पर, अमेरिका में। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा, क्या हमारे पास कौन सा क्योर है जो कि अभी तक भी यूज़ होता है, मोस्टली ऐसे एरियाज जहाँ पे मेडिसिन नहीं है वहाँ पे अभी भी यही जो है हमारे पास मेडिसिन जो है वो यूज़ हो रही है। हमारे पास कौन सा प्लांट होता है, सिंकोना का प्लांट है। इसकी बार्क के अंदर बाद में ये डिस्कवर हुआ कि जो इसकी छाल है उसके अंदर ख़ास केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है क्योनीन या कोनीन जिसको कहते हैं, इंतहाई कड़वी दवाई होती है ये बेहतरीन रेमेडी या बेहतरीन क्योर साबित हुआ मलेरिया का। ठीक है जी, अभी तक हम लोगों ने मलेरिया को ये किया कि लोगों ने पहले रिकॉग्नाइज़ किया कि जी ये प्रॉब्लम है, बैड एयर से आ तो वहीं से रही मगर गंदा पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। फिर इसका फर्स्ट क्योर क्या था हमारे पास, क्विना क्विना प्लांट जो था उसका क्योर था, मगर उसके बाद जब बाद में देखा गया कि जो उससे भी बेहतरीन दवाई है सिंकोना प्लांट है, उसकी जो छाल होती है उसमें क्योनीन पाई जाती है। सो क्योनीन एक बहुत अच्छी मेडिसिन साबित हुई मलेरिया के इलाज के लिए। बच्चों बहुत अरसे तक इसी दवाई को ही यूज़ किया गया, इसी छाल को यूज़ किया गया मलेरिया के क्योर के लिए, जब तक कि प्रॉपर मेडिसिन इसकी डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है जी, फिर उसके बाद पता चला हम लोगों को क्योर के बाद कि मलेरिया जो है वो बेसिकली कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ डिस्कवरीज की, मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड को निकाला गया, माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई तो माइक्रोस्कोप के नीचे जो है उसको स्टडी किया गया। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच आर्मी का डॉक्टर था, फिजिशियन था, जिसका नाम लेवरेन था। कौन था हमारे पास, फ्रेंच आर्मी का फिजिशियन था, फिजिशियन का मतलब होता डॉक्टर ही था, जिसका नाम क्या था हमारे पास, लेवरेन। लेवरेन ने ये देखा था कि जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं, जब उसने मलेरियल पेशेंट के ब्लड को स्टडी किया अंडर माइक्रोस्कोप, तो उसने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखे कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पाए जाते हैं। खैर उसके काम को बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रिसाइज़ राय नहीं मिली या लोगों ने उसको इतना ज़्यादा वो नहीं किया, तो वो बात वहीं पे ख़त्म होगी। फिर उसके बाद इस लेवरेन के 2 सालों के बाद फिर एक और साइंटिस्ट आया, उसने भी यही देखा कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में कोई ना कोई ऐसी चीज़ पाई जा रही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि नॉर्मल पर्सन के ब्लड में नहीं है। फिर उसके बाद उन 2 सालों के बाद मज़ीद 3 सालों के बाद अगेन डिस्कवरीज अगेन स्टडी की गई, तो कन्फर्म यही हुआ कि वाकई तमाम मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर पाया जाता है खास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे धागे नुमा स्ट्रक्चर, और उसके बाद उसको नाम दे दिया गया प्लाज्मोडियम का। ठीक है जी, प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया गया, दैट प्लाज्मोडियम इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द सैम्पल्स ऑफ द मलेरियल पेशेंट। तो इससे ये कन्फर्म हुआ कि हाँ जी मलेरिया जो है, या एक बात तो पता चली कि मलेरिया किसकी वजह से हो रहा है, प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। ठीक है जी, हम लोगों ने आज जो मलेरिया स्टडी ऑफ मलेरिया पढ़े उसमें रिकॉग्निशन पढ़ी है, उसका क्योर पढ़ा है, और थोड़ा बहुत ये देखे कि ये किस वजह से हो रहा है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे मज़ीद, हम लोग मैं आपको बताऊँगी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊँगी कि ये क्वेश्चन कैसे आ जाता है और इसको कैसे सॉल्व करना है। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।